Hi guys, salam, namaste everyone. और अभी मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, विच इज़ मेट्रो स्टेशन. और बहुत से मेरे व्यूअर्स ने मेरे से बोला था कि कुछ पुरानी दिल्ली के जो खाने हैं वो मुझे प्लीज़ शो करके दिखाओ. तो अभी हम जा रहे हैं पुरानी दिल्ली, जो यहाँ से मेट्रो से मैं जाऊँगा चावली बाजार. चावली बाजार से जाऊँगा पुरानी दिल्ली और वहाँ के खाने को एक्सप्लोर करेंगे. तो चलेंगे. मेट्रो स्टेशन की तरफ और मैं निकल रहा हूँ पुरानी दिल्ली. बन रही है मेरे तो मैं चला मेट्रो के अंदर, मिलता हूँ पुरानी दिल्ली में. हवा आ गया हूँ पुरानी दिल्ली की सड़कों पर और आपको दिखाऊंगा यहाँ का ब्रेकफास्ट और सुबह का खाना. अगर जो नॉन वेजिटेरियन है उनको क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं दिल्ली के अंदर. और सामने आप देख सकते हैं जामा मस्जिद. तो ये है पुरानी दिल्ली की सुगंध, वहाँ का कल्चर. तो बने रहिए, बहुत से खाने और बहुत से ऐसे आउटलेट्स में दिखाने वाला हूँ आप लोगों को. सी यू गाइस, बाय बाय. गाइज़ ये है उर्दू बाज़ार और मैं बिल्कुल बीचों बीच जाम मस्जिद के सामने खड़ा हूँ इस वक्त. और सामने सारी फूड आउटलेट्स हैं जो कि खुल रहे हैं हल्के हल्के. सामने आप देख सकते हो जामा मस्जिद है और बहुत अच्छा और अमेजिंग व्यू है. और अगर किसी को आना है तो ठीक जामा मस्जिद के सामने देयर इज़ अ स्ट्रीट और एक कह सकते हो गली है. उस गली में आप जाओ और नॉन वेज के अगर आप वैरायटी चाहते हो तो आपको यहाँ मिलेगी बढ़िया से बढ़िया वैरायटी. तो दिखाता हूँ आपको, बने रहिए. तो ये है गेट नंबर 1 जामा मस्जिद का. और इस गेट नंबर 1 के जस्ट सामने आप अगर देख सकते हो तो ये है स्ट्रीट मेरे पीछे. हमें स्ट्रीट के पीछे जाना है और देखते हैं क्या क्या खाने वहाँ पर हमारा इंतजार कर रहा है. ठीक है, बाय. तो मैं अभी खड़ा हूँ अजीब नवाज होटल पे और यहाँ की निहारी ट्राई करते हैं. और भाई हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से निहारी बांटते हैं सबको. और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोविजन ये है कि आप गरीबों को खाना भी खा सकते हैं. मोहम्मद रेहान साहब और इनका ये होटल 1947 में देश आज़ाद होने के बाद हुआ था. क्या क्या वैरायटी है यहाँ पे, क्या क्या? यहाँ पर नहारी, पाया, नली, कोरमा, बिरयानी, चिकन सब मिलता है. वेज नॉन वेज सब कुछ मिलता है. तो मैं ट्राई करता हूँ, आपको बताता हूँ यहाँ का टेस्ट कैसा होगा. ज़रूर आई. थैंक यू. करीम नवाज के निहारी खाने के बाद अब बारी है करीम की और अल जवाहर की. देखते हैं उनके पास क्या क्या मेन्यू है. पीछे मेरे करीम और जवाहर है तो मैं बात करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ का टेस्ट. अब हम आ गए अल जवाहर को और उसका इंतजार खा रहे हैं कि क्या क्या उनके पास वैरायटी है. तो मेरे भाई क्या क्या है? पाया है, मटन पाया. मटन पाया. और ये क्या है भाई इसमें? निहारी. ये निहारी, मटन निहारी. तो सब कुछ यहाँ मटन है, बीफ की निहारी या बीफ का कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ. तो यहाँ सिर्फ मटन और चिकन मिलता है. तो आप अल जवाहर या करीम पर आएँ तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और इजाज़ भाई ज़रूर मिले. एक बार हमारे व्यूअर्स को हाई करते हैं. मैं यहाँ का टेस्ट सिखाता हूँ आपको और बताता हूँ कैसा है यहाँ का पाया. मेरे सामने हाफ पाया, ये है पाया रोटी जवाब. और ये समीरी रोटी. तो मैं बताता हूँ आपको कैसी है ये रोटी और कैसे तरीके से इसको बनाया गया है. सी द
paya. It's looking awesome. And it is khamiri roti, which is made by suji and milk. So I'll just try or I'll just take a bite and then I'll tell you how it is. Outstanding. If you want to eat mutton, trotter, or kharode, then please, I will suggest that it is here. Amazing food, amazing taste. Al Jawar, not curry. Al Jawar पे आया और यहाँ का पाया और यहाँ का chicken पाया. तो मुझे खाना दीजिए और मैं आपको review मिले. Subscription कर देखिए बताइएगा कि कितना review है. Thank you, bye bye. इस मगरे आम के साथ मेरा सफर खत्म होता है. आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आपको ये video पसंद आएगी. ऐसे और कहीं interesting videos मैं आपके लिए लेकर आऊँ. तब subscribe करिए और like करिए. Bye bye.